ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छे से होंगे। आज का हमारा सेशन इस अपकमिंग मंथ के लिए है जो यहाँ पे मौजूद है, यानी सर्दियों का। ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वेदर तो नहीं चेंज हुआ, बिकॉज आई लिव इन लाहौर। लाहौर का मौसम अभी इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ, बट जाहिर सी बात है बच्चे और इर्द गिर्द के लोग बीमार होना शुरू हो गए, इसका मतलब है मौसम चेंज हो रहा है। और जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी है, सर्दी से गर्मी, तो हम कुछ चीजों को चेंज करते हैं। जिस तरह हम अपने कपड़ों को चेंज करते हैं, मशरूबात को चेंज करते हैं, बहुत से खाने गर्मी और सर्दियों से, फल गर्मी और सर्दियों से एसोसिएटेड होते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो अपने नहाना धोना, बहुत सी चीजों को चेंज करते हैं। जहां हम बहुत सी चीजों को चेंज करते हैं, वहां हमें थोड़ी बहुत चेंजेस या कुछ चीजों को समझने की जरूरत है अपनी स्किन केयर से रिलेटेड। सो आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर जो हम सर्दियों में कर सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी स्किन कंसर्न हो, कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी वेदर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत कुछ चीजों को प्रायर है, जिसके अंदर यह है कि कौन कौन सी स्किन की हमारी टाइप्स हो सकती हैं, यानी कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं स्किन की। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, स्किन को हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंटिस्ट ने या स्किन केयर गुरुज ने या जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 3 से 4 किस्मों में तकसीम किया गया। और अगर आप मुझसे पूछते हैं, मतलब इसकी डेप्थ में हम जाएं, तो कम से कम स्किन की 33 टाइप्स होती हैं। लाइक अगर मैं नॉर्मल स्किन की बात करती हूँ, तो नॉर्मल स्किन की भी आगे से क्लासिफिकेशन है। अगर मैं ड्राई स्किन की बात करती हूँ, तो ड्राई में भी बहुत कुछ है। तो मैं उस डिटेल में हरगिज नहीं जाऊंगी। हम अगर नॉर्मल समझाने की गर्ज से बात करें, तो स्किन की हम 4 टाइप्स की बात कर लेते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से एक और भी है। नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन वो स्किन होती है जिस पर कोई इश्यू नहीं होता, और उसके अंदर आप को नॉर्मल पोर्स नजर आएंगे, पोर्स का साइज भी बड़ा नहीं होगा। नॉर्मल स्किन नॉर्मली ऐसे ही रिएक्ट करती है, गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल स्किन होती है। इसके अंदर कोई इशू नहीं होता, मेकअप बहुत अच्छा बैठता है, और आपको ज्यादा कोई कंसर्न स्किन टाइप के साथ नहीं होते। और ये बहुत कम लोगों की अब नॉर्मल स्किन रह गई है, बिकॉज जितना वेदर चेंज, जितना पोल्यूशन, जितना फ्री केमिकल्स, केमिकल वाली प्रोडक्ट्स और बहुत सी चीजें, हमारी खुराक, सोना, उठना, डिवाइसेस, तो बहुत कम लोग रह गए हैं जिनकी नॉर्मल स्किन है। आगे हम बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन सारी ड्राई होगी, वो टोटली पूरा मुंह ड्राई होगा, और जो ही वेदर थोड़ा ज्यादा, वो गर्मियों में भी थोड़ी सी ड्राई रहेगी। लाइक ऐसे लोगों को मेकअप करने से पहले, कुछ भी करने से पहले कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, छोटा मोटा कुछ करना पड़ेगा गर्मियों में भी, या अगर नहीं भी करना पड़ेगा तो वो ऐसी फाउंडेशन चूज करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर हो। वैसे नॉर्मली ऐसी स्किन टाइप के लोग कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजेशन किए बगैर वो कोई स्किन केयर नहीं, मेकअप नहीं कर सकते। सर्दियों में इनकी बहुत ड्राई हो जाती है स्किन। अब इसके रीजन क्या है, आगे चलकर हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, और पूरा मुंह ही ड्राई होता है। अब हम बात करें, इनकी बॉडी भी ड्राई होती है बाय द वे। कॉम्बिनेशन स्किन इज वन ऑफ द ट्रिकियस्ट स्किन, क्योंकि इसमें दो स्किन मिलकर एक स्किन बनाती है, और वो कॉम्बो होता है दो स्किन का, वो ऑयली और ड्राई दो स्किन टाइप्स का मिक्सचर होती है। और ऐसी स्किन को आप बहुत ज्यादा फिक्स्ड रहते हैं, बिकॉज स्किन पर दाने भी हो सकते हैं, बिकॉज जो ऑयली पैच है वो सीबम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। और जो ड्राई स्किन है वो ओवर ड्राई हो रही होती है। जब आप ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए मुंह को ड्राई करते हैं, आपको लगता है आपके दाने ऑयल की वजह से निकल आए हैं, आपके दाने दाने आपकी स्किन ऑयली है आपको लग रहा होता है, मगर एक्चुअली वो ऑयली नहीं होती है। वो जब आप अपनी स्किन का ऑयल को ड्राई, मतलब उन दानों को ड्राई करने के लिए उसको साफ कर रहे होते हैं, तो ड्राई स्किन और ड्राई हो जाती है, क्योंकि आधी हिस्सा आपका बना ही ड्राई हुआ है। तो जब आप उसको, वो तो ड्राई हो जाएगी, मगर जो आपका ऑयली स्किन है वो क्यों इतना ऑयल प्रोड्यूस और कर रही होगी और वहां दाने हो गए? बिकॉज जब ब्रेन को कमांड जाएगी इसके, इस वाले पैच पर ऑयल खत्म हो गया है, यानी इसने ड्राई कर लिया स्किन को, तो वो मजीद ऑयल फेंकेगा। सो ये स्किन थोड़ी सी ट्रिकी होती है, इसको भी ऑयली स्किन की तरह थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है, यानी मॉइस्चर्ड भी और हाइड्रेटेड भी। इस पर दो स्किन टाइप्स की हम चीजों की, और नॉर्मल स्किन की सेंसिटिव की बात करेंगे। ये स्किन टाइप थोड़ी सेंसिटिव भी हो जाती है ऑयली स्किन।
ऑयली स्किन जो होती है वो ऑल टुगेदर ऑयली होती है, पूरा मुंह ही ऑयली होता है, आपको हर जगह ऑयल नजर आएगा, कहीं भी दाने निकल आएंगे, कभी भी दाने निकल आएंगे, कोई रीजन भी नहीं चाहिए होता। यू आर बॉर्न विद दी स्किन टाइप्स बाय द वे, और पोर्स बहुत बड़े होंगे, मेकअप शाइन करेगा, ऑयल निकल आएगा बड़ी जल्दी। स्किन का सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो होता है कि एजिंग इतनी तेजी से नहीं होती। इसके अलावा एक स्किन टाइप और है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव स्किन, जो अब अक्सर मर्द और हजरात की हो चुकी भी है। कोई भी चीज लगाते हैं उनको थोड़ा सा इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, सेंसिटिव वो हमारे, उसके पीछे बहुत से रीजंस मौजूद हैं हमारे माहौल में और एक्टिव। जून जून सर्दी आती है और हमारा टेम्परेचर गिरना शुरू होता है तो हमारी स्किन ड्राई होती है, क्योंकि हवा के अंदर से नमी गायब हो जाती है। नमी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन पे जो है वो ड्राइनेस नहीं होती, और उसकी हमें स्किन को प्राइस देनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन क्रैक कर जाती है, बाहर की जो लेयर है स्किन की मतलब ड्राई हो जाती है, लॉस ऑफ हाइड्रेशन, पानी की कमी नजर आ रही होती है, और उसके बाद बहुत लोगों की स्किन लाल हो जाती है, इंफ्लेमेट कर जाती है, उस ड्राइनेस से इच कर जाती है। जब आपकी स्किन का मॉइस्चर, याद रखिएगा, कम हो जाएगा या डिहाइड्रेटेड, ये दो टॉपिक्स हैं, इनकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। मॉइस्चर का मतलब है ऑयल का कम हो जाना आपकी स्किन पे से, मॉइस्चर लॉस करने का मतलब ये है कि आपकी स्किन के ऊपर से ऑयल कम हो गया, ठीक है। और जो दूसरी चीज है वो होती है डिहाइड्रेटेड, आपकी स्किन से पानी कम हो गया। अब ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इनको हम आगे चल के मजीद समझेंगे। जब ऐसा होना शुरू होता है तो आपकी स्किन का बैरियर जो है वो कमजोर हो जाता है, वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पाता और आपकी स्किन मुश्किल में आ जाती है, जिसके लिए हमें मॉइस्चराइजेशन और इन चीजों की जरूरत होती है। सो ऐसी कंडीशन होने से पहले आपको पता चल गया मौसम बदल रहा है तो आपने अपनी स्किन की केयर करनी है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे चलें, हमें सबसे पहले समझना है स्किन है क्या। हम लोग, बहुत से लोग जो हैं क्वेश्चंस कर रहे होते हैं हमारे ग्रुप्स में, देखिए वो क्लासेस नहीं लेते हैं, एंड दे रैंडमली सेंड अ, फिर उन्हें कोई भी जो भी कुछ सजेस्ट कर देता है वो उसको ले लेते हैं। मैं नॉर्मली आंसर इसलिए नहीं देती हूँ बिकॉज व्हेन आई गिव अ होल स्किन केयर सेशन यू हैव टू अटेंड इट। आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ओरिफ्लेम के अंदर 400 प्रोडक्ट्स हैं, जाहिर है उनकी इंफॉर्मेशन वहां मौजूद होती हैं, मगर फिर भी आपको कुछ चीजें हम जैसे बता रहे होते हैं वो किसी और तजर्बात और रीडिंग के थ्रू बता रहे होते हैं। वो विंटर में सेंसिटिव किससे हो जाती है, ये पॉइंट क्लियर करते हैं, आगे चल के क्लियर करूंगी मैं पॉइंट, बल्कि मैं शायद क्लियर भी नहीं करूंगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। स्किन हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर सिर्फ हमें हमें लगता है हमारे मुंह की स्किन ही स्किन होती है, जिस पर हम मेकअप करते हैं और लोग उसे देख रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं, जबकि अगर मैं सर की बात करूं तो सर की जल्द भी एक स्किन है, ठीक है। और सर की जल्द की अगर आप स्कैल्प की हिफाजत नहीं करेंगे तो वहां डैंड्रफ हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी बॉडी गर्दन से नीचे पूरी पांव तक स्किन है, आपके मुंह की स्किन है, तो हम ऑल टुगेदर एक स्किन के अंदर लिपटे हुए हैं। तो अगर मैं ये बात करूं ऑर्गन की, एक उज की, तो दिल एक छोटा उज है, दिमाग भी एक है, जिगर भी है, लंग्स भी है, मगर अगर मैं स्किन की बात करूँ, हमारा सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन हमारी स्किन है। स्किन को थोड़ा सा समझें क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी यार, अगर तो कोई कंसर्न होता है लाइक पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स तो उसमें हम जरूर डेप्थ में जाकर बताते हैं कि कहाँ कौन सी चीज मौजूद होती है जो ट्रिगर करती है और कहाँ क्या चीज होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती है, मगर आज चूंकि हम ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं तो आई विल ट्राई टू फिक्स ऑन ओनली ड्राई स्किन। ओके, स्किन की 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक होती है एपिडर्मस, एक डर्मस और हाइपोडर्मस। जिस तरीके से ये सिक्वेंस आपको नजर आ रहा है ऐसी स्किन भी होती है जो आपको बाहर का हिस्सा नजर आता है, जिस पर किसी रुएं होती हैं तो बाहर वालों को नजर आ रही होती है, जिस पर आप मेकअप करते हैं उसको एपिडर्मस कहते हैं। उससे बिल्कुल नीचे आप आए तो डर्मस होती है और उसके नीचे हाइपोडर्मस होती है। एक बात और आपको बता दूं, इन तीनों लेयर्स, इन तीनों स्किन की जो लेयर्स हैं इनके ऊपर लाख खून स्किन की लेयर्स होती है। लाइक एपिडर्मस जो आपको बाहर नजर आ रहा है उसके उसकी और डर्मस के अंदर लाखों पतली 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 लेयर्स होती हैं जो एक आप आम आंख से नहीं देख सकते हैं। और इसी तरह स्किन प्रोटेक्शन हो रही होती है डर्मस के अंदर भी। डर्मस के अंदर नॉर्मली हमारे बालों की जड़ें
रूहों की जड़ें हमारे ऑयल के जो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑयली स्किन वालों में बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा हमारा क्या उसे कहते हैं मेलेनोसाइटिस जिसे मेलाज्मा या छाइयों का बल्ब जिसे कहा जाता है या उनकी जड़ें वो यहाँ पर मौजूद होती है। हर शख्स के अंदर मेलेनिन मौजूद होता है। मेलेनिन वो रंग है जो आपके स्किन के कलर को डिटरमिन करता है, मगर जिन लोगों में इसका ऑर्डर खराब हो जाता है उनको फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा सब कुछ हो जाता है। उसके नीचे होता है हाइपोडर्मिस जिसमें हमारा फैट, वाटर और वेन्स और ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इससे पहले कि हम बिल्डअप करें अपनी क्लास को आगे, हमें ये जानने की जरूरत है ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन का डिफरेंस। ड्राइनेस फर्क है, डिहाइड्रेटेड फर्क है। ओके जी, ड्राई स्किन कौन सी स्किन होती है? डिहाइड्रेटेड वो स्किन होती है जिसको पानी की कमी हो जाए। हर ड्राई स्किन नहीं होती, दोनों दिखने में ड्राई लग रही होती हैं, दोनों ड्राई हो जाती हैं ना, मगर एक में पानी की कमी और एक में ऑयल की कमी होती है। तो ये जब आप किसी को भी कोई स्किन की प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होगे तो आपको इस फर्क को जहन में रखना है कि वेदर द स्किन इज डिहाइड्रेटेड और इट्स ऑयल मॉइस्चर का लैक है। अच्छा जी, हम बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन जो होती है वो इनहेरिटेड होती है, यू आर बॉर्न विद, इनहेरिटेड भी नहीं कहूंगी, यू आर बॉर्न विद दैट स्किन टाइप। ये एक टाइप है, आप पैदा होते हैं स्किन टाइप के साथ। बाज दफा ऐसा होता है किसी ऐसे इलाके में जाकर आबाद हो जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाकर आबाद हो जाते हैं कि आपकी स्किन की टाइप भी चेंज हो जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं, किसी गर्म इलाके में या किसी बहुत सर्द इलाके में आप सारी आप पैदा हुए पाकिस्तान में, यहाँ एक डिफरेंट सा टेम्परेचर और एटमोसफेयर और हवा और आबो हवा है, मगर आप चले जाते हैं कैनेडा के एक ऐसे इलाके में जहाँ -50 टेम्परेचर होता है तो आपकी स्किन टाइप ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। या आप कैनेडा में पैदा हुए जहाँ बहुत ठंड थी और आप दुबई में आकर आबाद होता है तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी टोटल स्किन टाइप को बहुत चांसेस है चेंज कर देगा। ठीक है, जो हम पैदा होते हैं ड्राई स्किन के साथ, ड्राई स्किन में होता है सबसे पहली बात सीबम या वो ऑयल या जिसको मॉइस्चर कहते हैं वो ही कम होता है। अल्लाह पाक ने इसमें डाला तो होता है मगर कम तादाद में डाला होता है, इसलिए वो स्किन ड्राई स्किन होती है। स्किन सारा वक्त ड्राई होगी, बॉडी की भी आपको स्किन ड्राई मिलेगी, और आपको बहुत से लोगों की जब सवेर ड्राई स्किन हो जाती है तो उन्हें एक्जिमा हो जाते हैं या वक्त से पहले वो बूढ़े होना शुरू होते हैं। क्योंकि देखिये ड्राइनेस एक चीज है, एक तवा है उसे गर्म किए बगैर, मतलब आप तवे पे एक रोटी डाल देते हैं उस पर बहुत सा खुश्का लगा देंगे वो अकड़ जाएगी। तो ऐसी स्किन में चूंकि ऑयल ही इतना कम हो जाता है, इतना ज्यादा कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये इस पर लकीरें बॉडी पर और जगह जगह पड़ जाते हैं जिससे उम्र से पहले आप बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, चाहे आपकी बॉडी है चाहे आपकी स्किन मुंह की मौजूद है। ठीक है, उसके बाद बाज दफा इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और एक्जिमा की एक बीमारी में ड्राइनेस की वजह से ये टर्न कर जाता है, और ये कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, और ड्राइनेस का जो हर सीजन में इनकी स्किन ड्राई रहेगी, मगर बहुत ज्यादा वर्स किस्म की स्किन हो जाएगी जब सर्दियां आएंगी, हार्मोन्स इनके चेंज होंगे एजिंग की तरफ और वेदर इन्हें बहुत ज्यादा जो है वो हिट करेगा। इनको जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, इनको ऑयल बेस्ड क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करनी है, उनके साथ बहुत अच्छी चलेंगी चाहे कोई भी सीजन हो। इन्हें मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, इन्हें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को लगाने की जरूरत है जिसमें प्लांट ऑयल्स हो, सेरामिक्स हो, शिया बटर हो, ये कुछ भी इम्पैक्ट यूज कर सकते हैं जो ऑयल या मॉइस्चराइजेशन की तरफ लेकर जा रहा हो। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन कौन सी होती है। डिहाइड्रेटेड वो स्किन टाइप होती है जिसमें ऑयल सीबम नहीं बल्कि पानी कम होता है। ठीक है, स्किन कंडीशन ये कंडीशन है स्किन की जो आप इसको ठीक कर सकते हैं, ये स्किन की टाइप नहीं है। आप पैदा नहीं होते इस तरह से डिहाइड्रेटेड, पैदा नहीं होते, मगर हो सकता है आपने पानी ना पियो। आप रोजों में देखें बहुत से लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, वजह क्या होता है पानी की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं हो रही होती फास्टिंग की वजह से, रोजों की वजह से। सो ये एक कंडीशन होती है, जब आप पानी पीना शुरू कर देते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है तो यू आर ओके विद इट। डिहाइड्रेटेड मीन्स कि आपकी बॉडी में आपने लूज कर दिया ज्यादा पानी जो आपने पिया है उससे ज्यादा,
हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर है, ह्यूमंस की बॉडी 70% ऑफ वाटर है, मगर अगर आप पानी ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे और पियेंगे नहीं तो क्या होगा, आपकी बॉडी का वाटर निकल जाएगा। फर्ज करें आपको आपको ये थ्रोइंग आप आपको उल्टियां आ रही हैं, या आपका स्टमक लूज हो गया, आपकी रीजन से पानी निकल गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको ड्रिप की सूरत में ग्लूकोज लगाते हैं, पानी लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, ताकि आपका आप डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से हम मर सकते हैं। आपने डेंगू का इस सीजन सुना हुआ है, आपको पता है डेंगू चल रहा है, और डेंगू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्लेटलेट्स कम होना तो शायद है ही है, वो तो 7 दिन के बाद आप रिकवर कर जाएंगे, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग इस कंडीशन में पानी नहीं पीते, दिल नहीं कर रहा होता, और पानी की डिहाइड्रेशन आपको ड्रिप्स पे ले जाती है। सो पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी स्किन पर अक्सर ब्रेकआउट्स निकल आते हैं, यानी दाने निकल आते हैं। अब दाने निकलते हैं ड्राइनेस की वजह से, सो ये टेम्परेरी कंडीशन होती है। जब स्किन आपकी ओवर ड्राई हो जाएगी, याद रखिएगा, तो आपकी स्किन को कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब उसका पानी निकल गया, स्किन का पानी निकल गया। अब स्किन में, अब ये साइंस समझें, जो लोग कहते हैं ना सेंसिटिव, या किस तरह से वो रिएक्ट करती है कि आपकी स्किन का पानी कम हो गया। अब आपके ब्रेन से मैसेज किया कि तो ड्राई हो रही है, हेल्प करो स्किन को। अच्छा, वो क्या करेगा, पीछे जो आपकी स्किन में जितना भी छोटा मोटा सीबम मौजूद होगा, वो उस सीबम को उठाएगा और स्किन पर सप्लाई करना शुरू कर देगा, वो आपकी स्किन को वो सीबम देना शुरू कर देगा। अब वो सीबम क्यों देगा, कि उसको तो लगेगा कि यार ये ड्राई हो रही है, वो अपनी साइंस लगाएगा। अब आपकी उस स्किन को सीबम की आदत नहीं है, वो एक ही जगह पर सीबम जहां पे देना शुरू ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां पर आपकी स्किन ड्राई और साथ ही साथ उस पे दाने निकल आएंगे, जबकि वो डिहाइड्रेटेड थी, मगर जो आपके ब्रेन को समझ आया उसने उस तरह से उसको ऑयल सप्लाई करने की कोशिश की, जिसकी वजह से दाने निकल आते हैं। हमारा जो एनवायरमेंट है, माहौल है, उसमें अगर हमारी डाइट खराब है, हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हम बहुत डाइटिंग कर रहे हैं, बहुत बुरा खाना खा रहे हैं, और अपनी स्किन की केयर भी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, और आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी वाटर बेस्ड नहीं है, यानी अगर आप ऐसी स्किन टाइप को वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स देंगे, आप तरबूज खाएंगे, ऐसे फ्रूट खाएंगे जिसमें बहुत वाटर है, तो उससे आपकी स्किन बैलेंस्ड रहेगी, बिकॉज हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है। हाइड्रेशन के लिए आपको बहुत अच्छा सोर्स है, देखें साइंस जो तरक्की कर रही है, जिंदगी आगे जा रही है, हम बहुत सी नई टेक्निक्स को भी जान रहे हैं। एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा एसिड जो बड़ा स्किन फ्रेंडली एसिड है, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन, इसमें पानी होता है इस एसिड के अंदर, और जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप सुनते हैं और देखते हैं, जिसके अंदर आपको डॉक्टर्स स्किन के कहते हैं जी हमने बोटॉक्स लड़कियां कराती हैं या औरतें कराती हैं या फिलर कराती हैं, तो उसके अंदर कोई प्लास्टिक आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता। इंजेक्शन से जो 50,000 रुपए का एक इंजेक्शन होता है, बड़ा थोड़ा एमएम का, बहुत थोड़ा मिलीमीटर का इंजेक्शन होता है, वो जो 50,000 का होता है, उसमें एक बाहर से आपकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड को एक जेल फॉर्म के अंदर आपकी स्किन के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है, टीके से लगाया जाता है, और फिर उसको सेट किया जाता है, और वो 1 साल 6 महीने इस तरह से वो रहता है, फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ता है और ग्रेजुअली वो निकल जाता है। जो बताने की बात है वो ये बात है कि आपकी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट स्किन केयर है, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड ही यूज हो रहा होता है, और हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम्स भी मिलती हैं, आपकी आपकी स्किन खुद उसको प्रोड्यूस भी कर रही होती है। ग्लिसरीन वाली प्रोडक्ट्स ऐसे लोग यूज कर सकते हैं, सेरामिड्स यूज कर सकते हैं, सेरामिड भी मॉइस्चराइजेशन के की बहुत सी फॉर्म्स हैं, स्किन को मॉइस्चर करने की बहुत सी फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आती हैं, हाइलुरोनिक एसिड आते हैं और सेरामिड्स भी आते हैं, ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए। सो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर ली दो चीजें, कि एक के हमारी स्किन की टाइप्स क्या है, एक के हमारी स्किन की लेयर्स क्या हैं, और फिर हमने डिहाइड्रेटेड स्किन, और हमने साथ ही जो उसे कहते हैं जिसका ड्राई स्किन का फर्क भी हमने देख लिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आपने करना क्या है, वो क्या प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं टू मेक आवर सेल्फ, मेक आवर स्किन मोर हेल्दियर, मोर ग्लोइंग, मोर बैलेंस्ड। अच्छा जी,
हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपना फोमिंग जेल ऐसे देखे, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, लाइक आई हैव गॉट वेरी ऑयली स्किन, तो मैं क्या करती हूँ, चूंकि ऑब्वियसली हम सब एक उम्र के हैं, तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ कि मैं अपनी स्किन को टोटली चेंज नहीं करती हूँ। मैंने अपनी एज के हिसाब से जो अपनी बेसिकली फोमिंग जेल्स अपने क्लिंजर्स हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मेरे पैकने बहुत आराम से निकल आते हैं, कितनी मैं क्लिंजिंग करूँ कुछ करूँ, तो मुझे मैं हमेशा ऐसी प्रोडक्ट रखती हूँ जो मेरी स्किन का जो ऑयल है, क्योंकि जाहिर है एज के साथ आपका ऑयल कम होगा, जो ही आपका ऑयल कम होना शुरू होगा आपके मुंह पर फाइन लाइन्स आएंगी, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन केयर ऐसी रखी हुई है जो मेरी स्किन पे जो ऑयल है उसको रिप ऑफ और ना करे। मैं कुछ भी हार्श में नहीं जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई ऑयल टू गो अवे नाउ, बिकॉज अब जाएगा तो नहीं आएगा और झुरियाँ जरूर आ जाएंगी। तो ऑलरेडी मैं अपनी एज बैरियर के लोगों को कहूंगी बहुत हार्श प्रोडक्ट्स मत यूज करें। दूसरा, आपने जितने भी ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले लोग हैं वो अपने फोमिंग जेल क्लेंजर्स को क्रीम क्लेंजर्स या मिल्क क्लेंजर्स पे कन्वर्ट करें, क्योंकि वो हार्श नहीं होते, वो रिप ऑफ नहीं करते, वो क्लिंस तो बहुत अच्छा करते हैं, वो रिप ऑफ नहीं करते। हमारी चूंकि स्किन ऑलरेडी मॉइस्चर कम है, ठीक है, हमारी स्किन में, अब मैं ड्राई स्किन की इस वक्त बात कर रही हूँ, मैं डिहाइड्रेटेड स्किन की बात नहीं कर रही, चूंकि हमारी ड्राई स्किन है और हमारे स्किन में मॉइस्चर जो है वो ऑलरेडी कम है, तो आप अपनी स्किन आप कभी भी नहीं चाहेंगे जितने आपके नेचुरल ऑयल स्किन के हैं वो भी स्ट्रिप अवे हो जाएं और स्ट्रॉन्गर क्लेंजर्स की वजह से वो भी खत्म हो जाए। तो ऐसे लोग जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें क्रीम क्लेंजर्स यूज करने हैं जो जेंटल हो स्किन पे, स्किन को ओवर ड्राई ना करें और मॉइस्चर को बिल्ड रखें राइट सूरत में। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ड्राई विंटर एयर में हो सकता है आपको कोई ऐसी सेवेरिटी ना हो, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हमारे पास नोवेज का ये जो क्लेंजर है दिस इज वेरी माइल्ड, ये नोवेज की हर 30+ अगर आप देखते हैं नोवेज की हर स्किन के साथ ये चलता है, इवन हमारे जो 20+ पे ब्रिलियंस का सेट है फेयरनेस का उसके साथ भी हम यही क्लेंजर देते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी माइल्ड, दिस इज वेरी गुड कॉम्बो ऑफ डीप क्लेंजिंग, बिकॉज इसमें टोनर और साथ ही साथ क्लेंजर मौजूद है विच इज वेरी वेरी माइल्ड, ठीक है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमारे पास एक और नया क्लिंजर मौजूद है जो आपने हम लोगों की उसके अंदर देखा है कैटलॉग के अंदर, वो हमारा है क्रीम क्लिंजर, क्रीमी क्लिंजर है हमारा ऑप्टिमल। ओके, वो हमारा डीप क्लिंजर है, आप सबने ऑप्टिमल्स की जो रेंज है उसके अंदर इसको देखा होगा, आपने उसका क्रीमी क्लिंजर विंटर में लगाना है जिनकी ड्राई और नॉर्मल स्किन है, और जिनको जो जो ऑलरेडी 50+ हैं या ज्यादा एज के हैं उनके लिए वैसे भी यही क्लिंजर सूटेबल होते हैं ताकि उनका मॉइस्चर खत्म ना हो। नंबर टू, हम लोगों के आप लोगों को बहुत सी दफा बहुत कुछ बता रहे होते हैं अबाउट एक्सफोलिएशन। मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया है, एक्सफोलिएट करने का मतलब क्या है कि उतारना, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक्सफोलिएशन के 2 से 3 मेथड है। नंबर 1 मेथड इज दिस कि आप स्क्रबिंग करते हैं फेस की, बहुत से लोग पकड़ते हैं मिल्क एंड हनी का स्क्रब और दे पे दे शुरू हो जाते हैं, जो भी स्क्रब उनको मिलता है वो अपनी स्किन को लथार पथार के पारे कर देते हैं और उनको ये लग रहा होता है बैक ऑफ द माइंड कि उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक हद तक मैं आपसे शायद अग्री करूं, हाँ आपकी स्किन की डेड स्किन उतर जाती है और स्किन क्लियर हो जाती है, पाँव की बात करूँ, हाथों की बात करूँ, घुटनों की बात करूँ, गर्दन की बात करूँ, जब हम मुंह की स्किन पर आते हैं तो दैट इज थोड़ी सी फ्रेजाइल, थोड़ी सी नाजुक, एड़ियों में, आपकी एड़ियों में और आपकी मुंह की स्किन में एक विजिबल डिफरेंस मौजूद होता है, ये तो मानते हैं ना आप लोग, आपके पाँव की स्किन और हाथों के ऊपर की स्किन और आपके मुंह की स्किन में तो फर्क होता है ना, जो चीजें हम पाँव पे लगाते हैं हम मुंह पे नहीं लगा सकते हैं, पाँव हमारे अल्लाह ने ज्यादा रफ एंड टफ बनाए हैं। हमारी जो स्किन है वो फर्स्ट टारगेट होती है फॉर एवरीथिंग, आपको डस्ट, धूल, फ्री रेडिकल, सूरज,
रेज हर चीज आकर मुंह पर पहले हिट कर रही होती है, तो आपकी स्किन इज मोर फ्रेजाइल देन योर रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्किन को एक्सफोलिएट करने का एक तरीका तो ये है कि हम स्क्रब यूज करते हैं, बहुत सी स्किन प्रो मशीन्स होती हैं, लोग उसको यूज करते हैं, बहुत से ऐसे ग्लव्स मिलते हैं जो एक्सफोलिएशन के ग्लव्स होते हैं, लोग उनको भी यूज करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, मे बी टीन्स में इट्स बेटर आप ये चीजें इस्तेमाल करें। उसका रीजन ये है कि टीन्स में आपकी स्किन का बैरियर थोड़ा बेहतर होता है, आपके इश्यूज इतने नहीं होते, एजिंग भी नहीं होती, स्किन जरा ज्यादा मजबूत और टफ होती है, ताकतवर होती है। अब जो ही हम 30 क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर मजीद चेंजेस हर एक के आ रहे होते हैं, ऑयल जा रहा है, आपने मजीद 20 से 30 के अंदर 10 साल गुजार दिए सूरज की शुआओं के साथ, केमिकल के साथ, गलत खाने के साथ और चीजों के साथ, तो इसके अंदर आपकी स्किन सेंसिटिविटी हल्की सी बढ़नी शुरू हो जाती है और स्किन फ्रेजाइल हो जाती है। ऐसी स्किन के लिए जो केमिकल जो एक्सफोलिएंट रिकमेंड किया जाता है वो बेसिकली केमिकल एक्सफोलिएंट होता है या केमिकल पील्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि केमिकल पील्स के अंदर और फिजिकल एक्सफोलिएट्स के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, सो एक मैंने आपको बताया फिजिकल एक्सफोलिएशन है जो डिवाइसेस या स्क्रब्स के साथ होती है जिसे आप फिजिकली देख रहे होते हैं, और एक होती है आपकी केमिकल एक्सफोलिएंट्स। केमिकल एक्सफोलिएंट्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं जिससे आपकी स्किन को एक्सफोलिएट किया जाता है नेचुरली। ये आप और मैं हम सब जानते हैं कि हर जब आप टीनेजर होते हैं तो हर 18 से 20 दिन के अंदर आपके पुराने सेल जो डेड हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं। आपने बच्चों की स्किन देखी है, टीनेजर्स की बड़ी ग्लो कर रही होती हैं, फर्म होती हैं, ढलकी भी नहीं होती हैं, सब कुछ मुनासिब होता है। अब रीजन क्या होता है कि जब वो केमिकली अल्लाह पाक ने 18 से 20 दिन के अंदर नए सेल आते हैं, पुराने गिर जाते हैं, नए आते हैं, पुराने गिर जाते हैं, जो आपकी एज बढ़नी शुरू होती है तो ये प्रोसेस स्लो डाउन कर जाता है। अब आपके पुरानी स्किन इतनी तेजी से गिरना गिरती नहीं है, यानी वो साइकिल जो 18 से 20 दिन का है वो चला जाता है आपका 30 से 35 दिन के अंदर 40s में। जब वो 30 से 35 दिन के अंदर चला जाता है तो आपकी पुरानी स्किन नहीं गिरती और इतनी तेजी से, और अगर वो गिरती है तो स्किन के ऊपर ही गिर जाती है जिससे दाने निकल सकते हैं, डल स्किन हो जाती है, ऊपर नीचे बेरब्त सी स्किन लगती है। इस ऐसी स्किन टाइप को अगर आप यूज करेंगे स्क्रब के साथ एक्सफोलिएट करना तो आपकी स्किन बहुत डैमेज होगी, उससे जो न्यू बॉर्न बेबी सेल्स पैदा हुए थे नए आए थे वो भी मरने शुरू हो जाएंगे स्क्रब के एक्सफोलिएंट्स के साथ। वजह क्योंकि हमारी जो स्किन है इस एज के अंदर उसका ऑयल भी कम हो रहा होगा जितना आप तेज चीज लगाएंगे। सो सबसे बेस्ट चीज है ऐसी स्किन के अंदर ऐसी स्किन टाइप के साथ कि आप एक्सफोलिएंट को केमिकल एक्सफोलिएंट्स पे आप ले जाए रेगुलरली। एक्सफोलिएंट्स अगर आप सर्दी में करते हैं महीने में तीन से चार दफा तो ये एक बहुत जबरदस्त स्किन केयर हो सकती है ताकि आपकी ड्राई और डेड स्किन अच्छे तरीके से उतर जाए और नई ग्लोइंग स्किन आ जाए, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। फिजिकल जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं वो बेसिकली फिजिकल स्क्रब होते हैं जो आपको पता है जो डेड स्किन को उतारते हैं, ये हार्श हो सकते हैं अक्सर लोगों के लिए और खास तौर पर सर्दियों के लिए, इससे आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और फर्दर ड्राइनेस हो सकती है। उसकी जगह अगर आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करेंगे, आप केमिकल एक्सफोलिएंट के नाम से ना घबराएं कि पता नहीं कौन सा केमिकल है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपकी स्किन को बेसिकली फॉर्मूला होता है जिसके अंदर नॉर्मली अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज होते हैं, AHAs और BHAs यूज होते हैं, जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जेंटली डिसॉल्व करते हैं आपकी स्किन की टॉप लेयर को। ठीक है शाफिया, आप हमारी क्लासेस बेटा नहीं लेते हो, ये मैं बहुत सी दफा इस बात का जवाब भी दे चुकी हूँ और मैं बहुत सी दफा बता चुकी हूँ कि वो ऐसा ही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो, मैं ये बात वैसे मैं बहुत सी दफा पहले बता चुकी हूँ, खास तौर पर मैंने इसके PDF भी बनाए थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अच्छा AHAs कौन यूज कर सकता है, यहाँ ये भी क्लियर कर देती हूँ। दो तरह के एक्सफोलिएंट्स होते हैं, एक AHA का होता है और एक BHA का होता है। AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कौन यूज कर सकता है,
अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले यूज करते हैं एएचएस। अच्छा, जो बीएचए हैं वो नॉर्मली ऑयली स्किन वाले यूज करते हैं। बीएचए के भी बहुत सी सोर्सेज हैं, एएचए के भी बहुत सी सोर्सेज हैं, मगर ऑयली स्किन वाले कमाल ये होता है कि चूंकि उनकी बहुत टफ स्किन होती है, वो एएचएस और बीएचएस दोनों को भी यूज कर सकते हैं। मगर अगर हम ड्राई स्किन वाले को बीएचए देंगे, उसकी स्किन इरिटेट हो जाएगी बड़े बुरे तरीके से। अब बीएचए की भी बहुत से सोर्सेज हैं। बीएचए की कुछ सोर्सेज ऐसी हैं जहां से हम लेते हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट करती हैं, और कुछ सोर्सेज ऐसी हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। यहां तक आप लोग मुझे बताइए, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? अगर नहीं आ रही तो भी बता दीजिए। ओके ओके, अच्छा चले, आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इसको बहुत आसान वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ये जो होता है ये बहुत काइंड एक्सफोलिएशन का मेथड है, वो ड्राई स्किन के लिए, ये आपकी स्किन को फ्लेकी नहीं करेगा, ओवर ड्राई नहीं करेगा, और आप ओवर डू एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते। वीक में एक दफा कर लें या 2 वीक्स में एक दफा कर लें, ये आपकी मर्जी है। हमारे पास नोवेज का एएचए और बीएचए वाला जो ये वाला एक्सफोलिएंट मौजूद है, ये ऑयली स्किन वाले या कॉम्बो वाले भी लगा सकते हैं, और अर्बन 3D कार्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले। दो आई हैव गॉट ऑयली स्किन बट आई ऑल्सो यूज इट। आई ऑल्सो यूज दिस वन, मैंने इसका मिस्ट भी यूज किया। दिस इज लाइक सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। अब मैं बड़ी हैरान हो गई हूँ। आई डोंट नो व्हाट द जो भी इसकी पूरी तरीके से दानी बेटा ले लें। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये वाटरप्रूफ है। अच्छा जी, ये वाला जो है ना अर्बन 3D का, इसके अंदर जो है बड़ा ही जबरदस्त एक बीएचए, और मेरे हिसाब से बीएचए इज वेरी हार्श, मगर इस बीएचए को जिस प्लांट से निकाला गया है वो इतना को परफेक्ट है कि उससे वो इरिटेट आपकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं करता। तो अर्बन 3D का, अच्छा ये मास्क को 3 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव वाले भी 3D यूज बिल्कुल कर सकते हैं, मानूर कर सकते हैं। माजी मुझे सूट नहीं किया ज्यादा। अच्छा, आई डोंट नो, मैं इसको रेगुलरली यूज कर रही हूँ। मैं अपना तरीकेकार भी आपको बताती हूँ। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है इसको यूज इट एज अ फेस वॉश। सेकंड तरीका ये है कि यूज इट एज अ एक्सफोलियंट, ठीक है। और आप इसको, मतलब कहने की बात ये है कि इसको आप 2 से 3 मुख्तलिफ तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है। हाइलुरोनिक एसिड मैंने आपको बताया है कि बहुत ही जबरदस्त काम करता है व्हेन इट कम्स टू स्किन। इसमें ये एंटी पोल्यूशन है कि जितना भी आपके इर्द गिर्द पोल्यूशन की वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है तो उसको ठीक करेगा, और ये स्क्रब के तौर पर भी यूज कर रहा है। अच्छा, स्क्रब से मैं आपको मुराद इसकी बता देती हूँ। इसमें किसी को, इसको 3 in 1 क्यों कह रहे हैं, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। स्क्रब का मतलब है साफ करना। इसमें एक बीएचए है, एएचए और बीएचए है, और वो बीएचए आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, उतारेगा गंद को, ये वही वाला काम करेगा। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ मास्क, तो मास्क की सूरत में भी आप इसको हाथ पे भी लगा के देखें, आपका एकदम हाथ का रंग साफ हो जाएगा। मास्क भी इसको आप 5 से 6 मिनट मुंह पे रखें, स्किन को ड्राई मत होने दें मास्क को, एंड रिमूव इट, ठीक है। क्लिंजिंग का स्टेप होता है। अच्छा, इसके अंदर, और आप इसको क्लिंजर, मैं इसको कैसे यूज करती हूँ मैं ये भी बता देती हूँ। मैं इसको सिंपली, मैं करती हूँ डबल क्लिंजिंग, और मैंने आप में से बहुत से लोगों को डबल क्लिंजिंग का प्रोसेस बताया है। मेरी बहुत ऑयली स्किन है, और एज वाइज आप लोगों को डबल क्लिंजिंग जरूर करनी चाहिए, और खास तौर पर विंटर सीजन के अंदर जब हमारी अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना कि शादियां हैं, और आप मेकअप भी करते हैं, तो आप, मैं इसको क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं मुंह पर ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल भी मैं आपको एंड में दिखा दूंगी मैं कौन सा ऑयल लेती हूँ। लव नेचर का ऑयल को मैं मुंह पर लगा लेती हूँ, और सर्कुलर मोशन के अंदर आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है। गर्दन पे, शोल्डर्स पे, मुंह पे मैं लगा लेती हूँ। 30 सेकेंड्स का समझ लें मैक्सिमम मैं मसाज करती हूँ। उसके बाद मैं अर्बन 3D गार्ड का थोड़ा सा
ये ले लेती हूँ, थोड़ी सी ये हाथ पे ले लेती हूँ, और मैं इसके साथ जो ऑप्टिमल्स के दोनों क्लेंजर हैं, डीप वाला और दूसरा, वो भी मिक्स कर लेती हूँ। दिस इज हाउ डू आई डू इट। मैं आपको नहीं कहूंगी करें, मेरी बहुत ऑयली स्किन है, आई हैव माई ओन वेज ऑफ डूइंग स्टफ। तो मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ और उसको अपने मुंह पर और 60 सेकंड के लिए मसाज करती हूँ। इतना हो जाता है कि वो जो ऑयल है, ऑयल तो सारे मैंने उतारा नहीं, और ये सब कुछ मिलकर ना एक पूरा स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, सॉर्ट ऑफ। पानी मैंने भी लगाया ही नहीं मुंह पर, कोई पानी मेरे मुंह पर नहीं, और मैं इसको लगा के छोड़ देती हूँ। इफ आई एम इन द शावर, मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैं इसको लगा के पहले छोड़ देती हूँ, एंड आई टेक द शावर, और फिर मैं रिंस करती हूँ। अगर मैं रात का टाइम है, अब जाहिर है मैं सोने लगी हूँ, मैंने अपनी नाइट रूटीन करनी है, तो मैं मुंह को धो लूंगी, एक 60 सेकंड या और ऊपर 30 लगा लें या 60 सेकंड लगा लें, आपकी स्किन इतनी ज्यादा अच्छे से साफ हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऑयल कौन सा है मैं आगे चलकर है ना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? आगे तस्वीरें सब कुछ मौजूद है। सो आपने इस तरह से करेंगे आफ्टर 30 या आफ्टर 40, या आप की बहुत ऑयली स्किन है, या आपने मेकअप कर लिया है, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, नो वरीज, नहीं कर सकते हैं। ऑयली वालों का ज्यादा इश्यू होता है, ऑयली वालों को तो और ऑयल नहीं लगाना चाहिए, नॉर्मल वाले भी कर सकते हैं। ये डीप क्लेंजिंग आपकी स्किन को देगा, और इसके अंदर जितने भी चीजें मौजूद हैं जो आपकी स्किन को बेहतर करेंगी, जितने भी एएचएज हैं, बीएचएज हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, वो आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा, और आपकी स्किन को यू विल सी द डिफरेंस कुछ अरसे के इस्तेमाल के बाद, कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई है, ठीक है? सो हमने यहाँ तक, अच्छा, इसके अंदर पॉलीफेनोल्स हैं। पॉलीफेनोल्स निशानों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्डिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत जबरदस्त। इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी भी है जो आपकी स्किन को जो है वो फेयर भी करती है और पोल्यूशन फ्री भी रखती है। तो ये जदीद प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई पुराने वक्तों की प्रोडक्ट्स नहीं है, वो जदीद प्रोडक्ट्स हैं। इसके स्प्रे हैं, मिस्ट है, वो तो मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं रुबीना, डबल क्लेंसिंग बहुत अमेजिंग चीज है। अगर आपके स्किन पे पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, आपकी स्किन गंदी रहती है, आपने मेकअप किया हुआ है, आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो डबल क्लेंजिंग एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, जो बड़े कम लोग इसको बताते भी हैं, बट मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स है मैम। इस 3 3 1 के हमारे घर में सब यूज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच शाफी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जबरदस्त फीडबैक दिया। सो आपको चीजों को, चीजें बहुत सी हैं, मगर हमने उसको समझ के यूज करना है अपने स्किन पे। अच्छा, आगे हम चलते हैं। जब हमारा, बहुत से लोगों की ऑयली स्किन होती है, या बहुत से लोगों को लगता है ओवर सफाई करने से ना मुंह साफ होता है, ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रिंजेंट एक जमाने में आते थे, अभी भी आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, चूंकि लोग खुले हैं, लोग हर तरह की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। सो मैंने इसको एज अ टिप लेकर चली हूँ। स्ट्रिंजेंट टोनर की तरह की एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नॉर्मली ऑयली स्किन वाले यूज कर रहे होते हैं, दानों वाले। अगर आप स्ट्रिंजेंट्स अपने मुंह पे लगाते हैं, द रिप ऑफ एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, द रिप ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम योर फेस। तो आपने क्या करना है, जब विंटर आएगी तो आपने स्ट्रिंजेंट्स को नहीं लगाना, बहुत हार्श चीजों को नहीं लगाना, आपने टोनर लगाना। यूजुअली स्ट्रिंजेंट जो होता है, लोग ऑयल कंट्रोल करने के लिए, दानों को मारने के लिए यूज करते हैं, बट ये बहुत ड्राई कर देते हैं और रिंकल कर देते हैं, इससे बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, अपने पोर्स को लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, रिफाइंड साफ रखने की कोशिश करते हैं, बैलेंस्ड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए सर्दियों के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है आप टोनर यूज कर लें। वो आपको सेम बेनिफिट्स देगा, ओवर ड्राइंग इफेक्ट नहीं देगा, आपकी स्किन साफ हो जाएगी और आपकी एक्ने फ्री और एजिंग फ्री स्किन होगी। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी अर्बन गार्ड 3D का आपको मिस्ट, अमेजिंग मिस्ट। मेरी स्किन ना ऑयली करता है ये, ना मेरी स्किन वो ड्राई करता है। मैं मिस्ट लगा लेती हूँ हर वॉश के बाद, आई स्प्रे इट ऑन माई फेस एंड माई नेक, आई नेवर निगलेक्ट माई नेक, जो भी चीजें मैं नेक पे जरूर लगाती हूँ। सो मैं, मुझे याद दिलाइएगा एंड में, एंड में जैसे याद रहेगा मुझे याद दिलाएगा। मैं आपको एक टिप भी दूंगी आज की ट्रेनिंग के एंड में, जिनकी एजिंग गर्दन पे होनी शुरू हो गई है वो क्या करेंगे, ठीक है? सो एंड में याद दिलाइएगा, क्योंकि ये एजिंग की क्लास नहीं है, बट मेरे जेन में आया तो मैंने कहा आपको हेल्प कर दी जाए, विंटर्स भी। सो आपने क्या करना है, इस स्ट्रिंजेंट की जगह इस मिस्ट को यूज करना है एज अ टोनर, क्योंकि हमारे नोवेज के क्लिंजर के तो अंदर भी टोनर है।
अच्छा, अब आगे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा, मैंने देखा है कि हमें कहते हैं मैम कोई क्रीम बता दे, क्रीम इज अ सुपर्ब टूल फॉर स्किन, क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन है या विंटर्स हैं या जो जो जिनकी ड्राई हो जाती है स्किन, उनके लिए क्रीम से अच्छी कोई चीज नहीं है, ये कोई डिनाइल नहीं है। क्रीम इज वेरी हैवी एंड वेरी यू नो मॉइस्चर्ड स्टफ फॉर योर स्किन। मगर प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया स्किन की थ्री लेयर्स, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि मैं एक बर्तन में से पानी दूसरे बर्तन में डाल रही हूं, मगर उस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ। अब ढक्कन अगर मैं के ऊपर पानी फेंक रही हूं तो वो अंदर नहीं जा रहा, वो ऊपर ही लगा हुआ है या ऊपर से गीला कर देगा और साइडों पे गिर जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम चाहते हैं कि उसके अंदर पानी जाए तो उसके लिए ढक्कन हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ढक्कन हटाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका एक्सफोलियंट है, जो केमिकल एक्सफोलियंट है। दूसरा तरीका क्या है, आप लगाते हैं सिरम। ओरी फ्लेम के अंदर बहुत से सीरम्स मौजूद है जिन्हें हम बहुत ज्यादा साइड पे रखते हैं ना, मतलब मैम छोड़े सीरम रहने दें, बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा, या हमारे पता है मैम हम नहीं अफोर्ड करते, हमें आप क्रीम बता दो। ठीक है, बड़े लोग कहते हैं आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की पॉकेट इजाजत नहीं देती, मगर फिर 100% रिजल्ट क्या है? पहले मैं इसके सीरम के बारे में बता दूं, सीरम लेस मॉइस्चर्ड होते हैं मगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। वो आपकी फर्स्ट लेयर से स्किन की सेकेंड लेयर तक एक रास्ता बना देते हैं और नीचे तक चले जाते हैं। यानी हमें अंदर से अपनी स्किन का ग्लो लाना है, अंदर से स्किन के रिंकल्स खत्म करने, अंदर से हाइड्रेशन करनी है, अंदर से मॉइस्चराइजेशन करनी है, हमने अंदर से करनी है, खाली बोतल के बाहर लगा के नहीं रख देना पानी। ठीक है, आपको क्या फर्क है, बोतलों की बोतलें खत्म कर देंगे, आपको असर ही नहीं होना, बिकॉज वो अंदर से तो हो ही नहीं रही चीज। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जो सिरम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लेस मॉइस्चर्ड होते हैं और नीचे तक चले जाते हैं, वो रास्ता बना देते हैं। उसके ऊपर आप डे या नाइट क्रीम बन लगाते हैं तो वो भी नीचे तक चली जाती है, क्योंकि रास्ता तो बना हुआ है। एक बंदे ने पाथ बनाया और जंगल के अंदर, जंगल में रास्ता नहीं बना हुआ, एक बंदा गुजरता है वो रास्ता बना के चला जाता है, उसके बाद जितने आने वाले गुजरते हैं उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। रास्ता सिरम ही बनाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको नहीं सीरम के बारे में पता तो आपको मैं बताती हूँ, आप बड़ी चीज को मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग के साथ एंटी एजिंग के बेनिफिट्स में सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम एक बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी की चीज होती है, मगर इसका पोटेंशियल बहुत जबरदस्त होता है कॉन्सेंट्रेशन का और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। ये आपकी टारगेटेड स्किन कंसर्न्स को जो है एड्रेस करते हैं फौरी तौर पर, क्रीम बाद में करती है। ये आपकी ड्राइनेस को, सिरम जो है वो भी इसको ठीक करते हैं। सर अगर आपके पास सिरम है जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, अगर मैं ड्राइनेस की बात करूँ तो मैंने सारे सिरम दिए ना, हाइलुरोनिक एसिड है तो ये बहुत ही पावरफुल ह्यूमेक्टेंट है जो आपकी मॉइस्चराइजेशन को ग्रैब करेगा और हवा में से होल्ड करेगा, आपकी स्किन की सरफेस को डीप और लास्टिंग हाइड्रेशन देगा। सीरम जो है अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजेशन को लगाने से पहले, जो आपकी स्किन के अंदर जस्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं। हाइड्रेटिंग सीरम इज ये परफेक्ट तरीका है अपनी स्किन को मॉइस्चर, एंटी एजिंग बेनिफिट्स और विंडी ड्राई विंड से बचाने का। अब हमारे पास ये सारे एंटी एजिंग सीरम है, ये 1, 2, 3, 4, ये वाला जो है ना इवन आउट का, ये हमारी पिगमेंटेटेड पिगमेंटेशन वाली स्किन का सीरम है। तो मुझे तस्वीरें मिली थी, मैंने सारी लगा दी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स इज अ जदीद तरीन तरीका, बहुत ही जदीद तरीका आपकी स्किन को एंटी एजिंग से बचाने का है। रेटिनॉइड्स पे तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम है, मगर मेरा टॉपिक ये नहीं है। सो दिस इज द परफेक्ट एंटी एजिंग फॉर 40+, ये 30+ का एंटी एजिंग सीरम है। एंड नाउ दिस अर्बन 3D का सीरम इज फुल ऑफ, दिस सीरम इज फुल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की मैंने शुरू में बात कर दी, आपको मैंने बता दिया हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के हाइड्रेशन के लेवल्स को कितना ज्यादा बेहतर करता है। ठीक है, सो ये वो सीरम्स हैं जो आप अपनी स्किन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इसके साथ इनकी डे और नाइट क्रीम्स भी हम लगा सकते हैं। यही जो मैंने आपको बताया ऑप्टिमल हाइड्रा क्या है शाफिया, थोड़ा सा सोचें, जो हाइड्रेशन देता है, ऐसा ये नाम बता रहे हैं ना। अब वो तो नहीं, तो अब हमें हमारे पास हाइड्रेशन के लिए क्या नाम, मैंने भी आपको बताया हाइलुरोनिक एसिड है, और वो क्या है अर्बन 3D।
थोड़ा सा समझें, इतना थोड़ा सा ना हम लोगों को एज अ स्किन केयर एक्सपर्ट अपनी थोड़ी सी चीजों को भी हमें यूज करना, हम क्वेश्चन करें बिल्कुल करें, मगर हमें थोड़ा सा ना वर्ड्स को और चीजों को समझना भी है। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग भी फील्ड में हैं, कस्टमर्स डील करते हैं, आपकी टीम्स हैं, थोड़ा सा मेरी जान थोड़ा सा सोच कर हमें खुद से, कभी होता है ना कि आपकी अपलाइंस आर नॉट अवेलेबल तो वी हैव टू गिव द सोल्यूशन, तो आप देखें किसमें हाइड्रेशन है, कौन ऑप्टिमल हाइड्रा में क्या थी उसमें भी हाइड्रेशन थी, इसमें क्या इसमें भी हाइड्रेशन है, वो भी पानी की कमी को दूर करने के लिए देते थे, ये भी पानी की कमी को दूर करने के लिए देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं। आई क्रीम, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जी हम आई क्रीम्स ना यूज करें, छोड़ें यार आंखें, आपको पता है कि हमारी स्किन की किस तरह से वो बनी हुई है, हमारी जो स्किन की आंखों के नीचे लेयर है स्किन की वो वन लेयर है, हमारी चीक्स गर्दन पे टू लेयर स्किन है और हमारी चीक्स पे थ्री लेयर स्किन है। सबसे पहले एजिंग आंखों से शुरू होती है, आंखें जाती हैं, फिर आपकी गर्दन पे आती है और फिर आपकी चीक्स जो है वो ड्रूप करती हैं या वहां बाकी हिस्सों पर लाइंस आती हैं, आपके लाफ्टर लाइंस वगैरह। तो हम लोग क्या करते हैं, आंखों को निग्लेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमने पूरे मुंह पे क्रीम तो लगा ली है, सीरम तो लगा लिया, अब हम क्यों लगाएं। मिस्ट कोई भी लगा सकता है, शायस्ता 20s वाले भी मिस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। मिस्ट इज फुल ऑफ हाइड्रेशन, हाइलुरोनिक एसिड, ये आपकी स्किन को बूस्ट करेगा, टोनर के तौर पे यूज होगा, प्राइमर के तौर पे यूज होगा, रिफ्रेशर के तौर पे यूज होगा, पानी की कमी को दूर करेगा, शाइन नहीं देगा, ड्राई नहीं करेगा, ऑयली नहीं करेगा। अच्छा जी, अब हमने आई क्रीम्स यूज करनी, ओरिफ्लेम इज फुल ऑफ आई क्रीम्स एज वेल, आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट लाइन आई हुई है उसकी आई क्रीम्स भी आई हुई है। हमारे पास नोवेज की 30+ की ये वाली आई क्रीम है जिसके अंदर कोलाजन बहुत ज्यादा है, इसमें ट्राइपेप्टाइड है। अब नोवेज की हम अल्टीमेट लिफ्ट की बात करें तो इसमें रेटिनॉइड्स मौजूद हैं, ये भी बड़ी अच्छी 40+ की आई क्रीम है। और ऑप्टिमस हाइड्रा सीइंग इज बिलीविंग जो है हमारी हल्कों के लिए खास तौर पर, और ब्लैक जिनकी आंखों के नीचे हो जाती है, वैसे हमारे पास ब्रिलियंस की भी नोवेज ब्रिलियंस की भी आई क्रीम मौजूद है। सो आपने क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं सिरम की तरह ही करते हैं कि आई क्रीम के स्टेप को ब्यूटी रूटीन से निकाल देते हैं, जबकि ये आपकी एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक पूरी जब स्किन केयर की रूटीन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने डेफिनेटली अपनी आई क्रीम को नहीं भूलना। आंखों के नीचे आपने हड्डी जहां पर आपकी है वहां पे रिंग फिंगर से आपने डैप करना है थोड़ी सी प्रोडक्ट, और हल्का सा उसको हाथ से पुश करना है और सर्कुलर मोशन में या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक बार अप करना है, दैट्स इट। आंखों के अंदर प्रोडक्ट ना जाए आपने कोशिश करनी है, वरना आपकी आंखों के अंदर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम आ गए लिप्स पे, क्योंकि सर्दी है, हम मुंह की इस वक्त बात कर रहे हैं, सिर्फ हम बॉडी स्किन केयर की अभी बात नहीं कर रहे। तो जब हमारे जो लिप्स होते हैं, हम नॉर्मली कोशिश कर रहे होते हैं कि लिप्स को क्या करें ना, विंटर्स में बहुत से लोगों के लिप्स चैप हो जाते हैं, तो कोल्ड वेदर क्या होता है, चैप क्यों होते हैं, एक तो हम पानी कम पी रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है सर्दी और नीड भी नहीं होती, तो हमारी जो आ, आ, स्किन मुंह के साथ साथ हमारे लिप्स की स्किन भी चैप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, और उसमें पेनफुल भी क्रैक्स हो जाते हैं बस बहुत ज्यादा, तो आपको एक जो बेस्ट चीज मैं आपको बताऊंगी आपने कोशिश करनी है, ठीक है, कि अपनी हमारे पास ओरिफ्लेम के अंदर ये दवान की भी जो है वो लिप बाम्स मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे पास ये भी मौजूद है। मैं क्या करती हूँ नॉर्मली एवरी डे रूटीन में, जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं ये वाले लिप बाम्स लगा लेती हूँ, इसमें SPF भी है, प्रोटेक्शन भी है, और इसके ऊपर मैं ना जो लिप लाइनर ओरिफ्लेम के आए हुए हैं, जो नए आए हुए हैं हमारे इस कैटलॉग में, अमेजिंग लिप लाइनर, एक्सट्रीमली आई एम इन लव विद देम, और इतने पिगमेंटेड और फैलते नहीं, और आला, मैंने दुनिया के लिप लाइनर्स यूज किए हैं, मैं दो चीजों की बहुत शौकीन हूँ, एक मस्कारा एक लिप लाइनर, और मुझे इससे अच्छा लिप लाइनर मैंने बाहर के ब्रांड्स में भी नहीं देखा जो इतना अच्छा हो, यकीन कीजिए। तो मैं इसको लगा लेती हूँ तो मैं पूरी रेडी हो जाती हूँ, लिपस्टिक का इफेक्ट दे देती है, इसका मैं ब्रश से थोड़ा सा उसको मर्ज कर लेती हूँ। ये हमारे पास लव नेचर का एक बहुत ही अमेजिंग स्क्रब है,
बहुत ज्यादा स्क्रबिंग मत कीजिएगा, थोड़ी कीजिएगा क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव होती है, और स्क्रबिंग से यू कैन लूज जो है। ये स्क्रबिंग से जो है वो आपकी जो स्किन है वो उसकी सेंसिटिविटी मतलब पतली स्किन होती है। अच्छा याद रखिएगा एक चीज और जो बहुत से लोग नहीं कर रहे होते, ठीक है, ये लव नेचर का स्मूथिंग लिप मास्क और स्क्रब है, ट्रॉपिकल आपने ऊपर यूज करना है लिप्स के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, जब आप ये लिप पे मास्क आपने एक दफा महीने में या तो महीने में दो दफा आपने इसको यूज कर दिया, उसके बाद आपने लिप को मॉइस्चराइज करने करने से पहले एक काम जरूर करना है, ये एक टिप समझ लें, हदायत समझ लें। वेरी गुड शाफिया, थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक का। सनब्लॉक जरूर लिप्स पे लगाना है, ये बड़ी अजीब बात है बट लोग नहीं जानते हैं। जब आप अपनी लिप्स पे जो है वो स्क्रबिंग कर रहे हैं, छोटी बहुत हार्श स्क्रबिंग नहीं करनी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये लिप के लिए वैसे तो बना रहा है, और आप वैसलीन या कुछ भी लगा लेते हैं तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपके लिप्स काले हो जाएंगे। सो लिप्स के ऊपर ये लगाने से पहले अपना बाम या चापस्टिक या जो भी कुछ है लिप का, तो आपने क्या करना है, सन ब्लॉक जो मुंह पे लगाएंगे वो आपने जरूर लिप्स के ऊपर लगाना है। अच्छा सन ब्लॉक जरूर सर्दियों में लगाना है, जो लोग मुझे बहुत पुराना जानते हैं उनको पता है मैं पागल हूँ, सन व्हेन इट कम्स टू सन ब्लॉक आई गेट क्रेजी, और मैं हर स्किन टाइप को, ऑयली हो वो, ड्राई हो वो, पिंपल हो, स्पेशली मेलास्मा हो, मैं सन ब्लॉक रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज आप लोगों को सन ब्लॉक के फायदे नहीं पता। सन ब्लॉक सबसे पहली बात, अगर जिनके मुंह पे छाइयां हैं तो वो कहते हैं ना एक पुराने वक्तों की बात है, छाइयां छाओं मांगती हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ये सुना हो, मेरे अक्सर मेड आकर बातें करती है तो कहती है बाजी छाइयां छा मांगती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, छाइयां जिसके मुंह पर होती हैं उसका ट्रिगर सबसे बड़ा हीट होती है, चाहे वो चूल्हे की हीट हो, चाहे वो रोशनी की हीट हो, वो लाइट की हीट हो, डिवाइस की हीट हो, या सूरज की हीट हो, तो जो चीजें हीटअप करेंगी आपकी फेस को, चाहे वो आपका बीपी है, आपके हार्मोन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस है, अंदर की गर्मी है, तो वो आपकी स्किन पर छाइयां करेगी, अगर आपको छाइयों का प्रॉब्लम है तो। तो सबसे पहली भी बात यह है कि सन ब्लॉक उसे ब्लॉक कर देता है, तो आपकी छाइयां बढ़ेंगी नहीं, जो है वहां या तो रिवर्स करनी शुरू हो जाएंगी या ब्लॉक कर देगा उसको। दूसरी बात यह है कि सन ब्लॉक एंटी एजिंग होता है, एंटी एजिंग के अंदर जो एक प्रोडक्ट, अगर एक बंदा कहे मैं कुछ भी नहीं ले सकता उसको सन ब्लॉक देते, क्यों, क्योंकि जब ये जो सूरज है ये आपकी स्किन पे आपकी फाइन लाइंस डालता है, वो आपके कोलाजन को तोड़ता है, वो आपके इलास्टिक को स्किन के तोड़ता है, और उसकी जगह वो जो प्लास्टिक को तोड़ा होता है आपकी स्किन में जगह जगह क्रैक्स डाल रहा होता है, फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन को डैमेज बुरी तरह कर रहे होते हैं। फ्री रेडिकल एक ऐसी बला का नाम है जो आप एक खुली आंख से नहीं देख सकते, मगर उसका काम आपकी स्किन को तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ करना है, और उसकी जगह वो अपने आप को कंप्लीट करता है, यानी आपको खाता है और खुद बनता जाता है। अगर आप अपने मुंह पर, हाथों पर, गर्दन पर सन ब्लॉक लगाने की आदत डाल देंगे तो एक आप शुआओं से बच जाएंगे, एक अगर आपके मुंह पर अगर दाग धब्बे पिगमेंटेशन नहीं, आप देखा है लोगों की बहुत अच्छी स्किन होती है मगर जब वो ओल्ड एज में जाते हैं तो छोटे मोटे दाग हो जाते हैं, गोरे लोगों के खास तौर पे, उसकी वजह यह है कि अगर आप सन ब्लॉक यूज करें आपको कभी भी दाग नहीं पड़ेंगे, वो सूरज की बर्निंग से, सूरज के सन स्पॉट्स होते हैं। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन का फैमिली में या कोई आ रहा है तो अगर आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो आपको पिगमेंटेशन नहीं होगी। उसी के साथ साथ अगर आपके पिंपल्स हैं और आप चाहते हैं आपके मुंह पे गड़े ना बने, पिंपल्स तो हैं ही हैं, और बड़े लोग पिंपल्स की चिकनाहट से और इन चीजों की चिकनाई की वजह से नहीं लगाते सनब्लॉक, तो आपके गड़े नहीं पड़ेंगे, निशान नहीं पड़ेंगे अगर आप सनब्लॉक लगाएंगे, क्योंकि वो ऊपर की लेयर पर होंगे, उसे प्रोटेक्ट कर देगा, दाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद निशान या कोई चीज नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ वो एंटी एजिंग और आपके रिंकल्स को भी, फ्री रेडिकल से, हर चीज से बचाएगा। सो गर्मी सर्दी बरसात याद रखिएगा, आपको नजर नहीं आ रहा मगर सूरज निकला है तो दिन चढ़ा है, चाहे वो गर्मी का मौसम है, बरसात का, आंधी का, तूफान का, सर्दी का, बहार का, खिजां का, खुशी का, गम का, सूरज चढ़ा है तो दिन चढ़ा है, तो ये कयामत के दिन तक तो रोज सूरज अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ेगा और जाएगा। इसका मतलब है रोज आपने 365 दिन, आपकी उम्र 6 साल से ऊपर है, आप मर्द हैं या औरत हैं, आपको सनब्लॉक रिकमेंडेड है कि लगाएं। आप अपनी, जो लोग सनब्लॉक रेगुलर लगाते हैं,
जब वो 20 30 40 साल के होते हैं और वो अपने साथ वालों की एज अपने से कंपेयर करने के लिए उन्हें देखें तो उनके मुंह पे रिंकल्स नहीं होंगे, उनकी स्किन बहुत बेहतर होगी, बैरियर बहुत स्ट्रांग होगा, सन ब्लॉक जरूर आपने लगाना है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मानू, कोई भी फेस क्रीम, ये मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ नहीं आई। ठीक है, अच्छा सनब्लॉक हमारे पास 3 तरह के मौजूद हैं, एक नोविच का है, एक एसपीएफ का है और एक और हमारे पास भी सनब्लॉक मौजूद है, आपको जो भी मिले आप ले सकती हैं, कोई इसमें वो नहीं है, सनब्लॉक सनब्लॉक होता है, कोई भी आप ले सकती हैं। सनब्लॉक हर 3 से 4 घंटे बाद आप रिन्यू करेंगी। मैं सुबह जिम जाते हुए सनब्लॉक लगाती हूँ, आती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद मैं मुंह पे सनब्लॉक लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं जोहर पढ़ती हूँ, जोहर की नमाज पढ़ती हूँ तो मैं सनब्लॉक लगा लेती हूँ, और आजकल मेरा जोहर और असर का दोनों वजू साथ ही निकल जाते हैं, और शाम के टाइम में नहीं लगाती हूँ, वैसे लगाना तो तब भी चाहिए। हाँ मैं टेरेस पे शाम को भी जाऊंगी तो मैं सनब्लॉक लगाऊंगी। इसके बाद हमारे पास है सन 360 ब्राइटनिंग क्रीम फेस SPF 30। हमारे पास एक ये सनब्लॉक भी है जिसका कोड है 41340, Sun 360 ब्राइटनिंग क्रीम फेस SPF 30 हाई, ये भी इन दो के अलावा मौजूद है। इसके अलावा जो चीज मैं ज्यादा रिकमेंड करती हूँ खास तौर पे सर्दियों के अंदर और जो लोग बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं मानूर, कभी भी नहीं, आप मॉइस्चराइजेशन, आप बूस्टर, आप सिरम, आप स्प्रे, आप क्रीम पहले लगाते हैं, हर तरह की चीज पहले लगती है, ऊपर सनब्लॉक लगता है, सनब्लॉक के ऊपर सिर्फ मेकअप लगता है। अब मत समझे, आपकी बेयर स्किन है, नंगी स्किन है, आपने स्किन के चाह रहे हैं अंदर कोई चीज चाहे ना, अंदर आपने ब्लॉक लगा दिया तो अंदर क्या जाएगा, ब्लॉक का मतलब है रास्ता खत्म, बंद कर दिया। आप सबसे पहले अपनी जो भी रूटीन है वो करेंगे, सारी रूटीन कर लेने के बाद ऊपर सन ब्लॉक लगा देंगे। अब ब्लॉक लग गया, अब ऊपर की कोई चीज नीचे नहीं जाएगी और नीचे की चीज सिर्फ नीचे जाएगी, जो क्रीम्स लगी हैं वो नीचे काम करेंगी और ऊपर से कोई चीज नहीं जाएगी। फर्ज करें आपने कोई मेकअप लगाया और मेकअप लगाने के बाद आपके मेकअप के अंदर भी तो कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बुरी चीज हो सकती है, अब वो मेकअप का जो गंद है वो भी ब्लॉक की वजह से नीचे नहीं जाएगी और मेकअप भी लगा रहेगा, समझ रहे हैं। सीसी क्रीम एक अमेजिंग टूल है। अच्छा अब मैं क्यों सीसी क्रीम पसंद करती हूँ ये भी मैं आपको टिप दे रही हूँ। आप सनब्लॉक लगाते हैं और सनब्लॉक के अंदर SPF है, अगर आप उसके बाद कोई ऐसी फाउंडेशन लगा लेते हैं जिसमें SPF नहीं है तो वो आपकी सनब्लॉक की स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं। जो सीसी क्रीम है उसके अंदर SPF 35 है, वो कम भी नहीं 35 है। जब आप सनब्लॉक लगाने के बाद ऊपर सीसी क्रीम लगाते हैं, जी आपने सनब्लॉक जरूर लगाना है क्रीम के अलावा, क्रीम का सनब्लॉक इज नॉट असेंशियल फॉर यू, यू नीड अ सनब्लॉक अगेन। हमारे मुल्क में गर्मी सर्दी टेम्परेचर फूड हर चीज बहुत खराब है, आपको सेपरेटली एडिशनल सनब्लॉक लगाना है। इट्स नॉट इनफ कि SPF 15 है कि 25 है, आपने क्रीम में भी लगाना है, आपकी फाउंडेशन में भी सनब्लॉक होना चाहिए और सेपरेटली भी आपने लगाना है। ये मेरी टिप है, मान ली आपको समझ आए, मैं आपको बता रही हूँ इसके आपको 100% बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी सीसी क्रीम कलर करेक्टर है, इसमें हल्का सा कंसीलर है, हल्की सी फाउंडेशन है और सनब्लॉक है, और बड़ा ही मजे का मॉइस्चर है जो आप गर्मी सर्दी दोनों सीजन्स में लगा सकते हैं। तो मैं सीसी क्रीम रिकमेंड करती हूँ और साथ सनब्लॉक जरूर रिकमेंड करती हूँ खासतौर पर इस मौसम के अंदर। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा सनब्लॉक यूज कर सकते बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप वो क्रीम लगाएंगे ऊपर से सनब्लॉक सेपरेट लगाएंगे, सनब्लॉक सेपरेट जरूर लगेगा, ये मेरी टिप है, बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, एक होती है डेली रूटीन, एक होती है हमारी वीकली रूटीन, और एक होती है हमारी 4 15 दिन के बाद की रूटीन, और एक होती है महीने की रूटीन। अभी मैं उस रूटीन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ विंटर्स की बात कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है नाइट मास्क और बूस्टर्स को भी अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो। तो हमारी ये जो हाइलुरोनिक एसिड नोविच का एक हमारा मास्क है जो बेसिकली हमारा रात का मास्क है, ये भरा हुआ है जो है हाइलुरोनिक एसिड के साथ,
तो आपने इसको कैसे लगाना है, अपनी पहले नाइट की सारी क्लिंजिंग कर दी, आपने नाइट की क्रीम लगा ली, उसके ऊपर आप हाइलुरोनिक मास्क लगा लेंगे, लगाकर इसको सो जाओगे और सुबह आप मुंह धोएंगे, यू विल बी अमेज्ड, आपकी स्किन पूरी प्लम्प, हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, नमी से भरपूर सा पानी भर गया है, हर तरफ वो हो जाएगी। ये बहुत बहुत अच्छा मास्क है, ये नोविच का मास्क है, रिचार्जेबल मास्क इसको बोलते हैं। आप हफ्ते में एक दफा विंटर्स में इजीली इसको लगा सकते हैं, बहुत से लोग 5-5 दिन के बाद भी लगाते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा ओरिफ्लेम के अंदर 4-5 बूस्टर भी मौजूद हैं, बूस्टर सीरम की तरह की चीज होती है, सीरम नहीं होता, खास तौर पे वाइटामिन सी का सीरम अगर आप लगाते हैं तो आपकी स्किन को क्लियर करेगा, वाइटामिन ई का सीरम जो है वो आपकी स्किन को नरिश और मॉइस्चर दोनों करेगा। अच्छा, जो जो टीन एजर्स होते हैं उनकी ड्राई स्किन जब होती है तो उनको जो चीज हमें रिकमेंड करनी है, टीन एजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी ड्राई स्किन के लिए ये हमारा एक स्पेशल लव नेचर का सूदिंग मास्क बनाया हुआ है। जिस तरह आपकी स्किन ड्राई होकर रेड हो जाती है, पिंक हो जाती है, ये बता रहा है कि पिंक हो गई है तो आपको सूद कर रहा है क्योंकि इरिटेट इच करती है। ओट्स इसमें क्या डली है, दो चीजें डली है, गोजी बेरी और ओट्स। ओट्स हेल्प करते हैं आपकी स्किन की को सॉफ्ट करने में, सपल करने में, और प्रोवाइड करते हैं सूदिंग बेनिफिट्स होते हैं, यानी इचिंग को कम करते हैं, और आपकी स्किन एक ऐसा कॉटन वूल में रैप हुई भी वैसे हो जाती है। गोजी बेरी जो है उसमें लोडेड है न्यूट्रिशन के हवाले से, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें विटामिंस, अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर करेंगे और आपकी स्किन को नरिश भी करेंगे। नॉर्मल स्किन जिनकी टीनेज की है वो ये वाला सेट यूज कर सकते हैं, इसमें ऑर्गेनिक एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को के शुगर्स और फ्रूट एसिड्स हैं जो आपकी हाइड्रेशन के लेवल को ठीक करेंगे, मेंटेन करेंगे आपकी हेल्दी स्किन को, और ऑरेंज ऑर्गेनिक जो ऑरेंज जूस है वो विटामिन सी से भरा हुआ है जो आपकी स्किन को साफ भी करेगा, बूस्ट करेगा, निशान भी कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का। मगर इस तरह टीनेजर्स के लिए, देखें वक्त के साथ एक बच्चा होता है जो न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बच्चे की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फर्क होती हैं, वो सिर्फ दूध पीता है, थोड़ा बड़ा होता है केला खा लेता है, आलू खा लेता है, पालक उबली भी खा लेता है। ये मैं इसलिए आज सारी बातें कर रही हूँ, मेरी नंद है, उनके उनका छोटे ये छोटा बेटा है तो आजकल हमारे हमारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेरेलैक खा लेते हैं, और जून जून बच्चा बड़ा होता है फिर वो उसकी नीड को पूरा नहीं कर पाता। उसकी नीड को पूरा करने के लिए उसको रोटी खानी पड़ती है और अच्छी चीजें खानी पड़ती हैं। सो ये हमने सिर्फ टीनेजर्स की बात की है, बहुत अडल्ट भी इसको यूज कर रहे होते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करती, बाकी आप लोगों की मर्जी है। स्किन केयर रूटीन की बात करूं, अगर आपका नॉर्मल स्किन है और आप एक खास एज के अंदर मौजूद हैं तो अगर आप इनके या ड्राई हो रही है आपकी स्किन तो आप इन सेट्स में से भी कोई सेट ले सकते हैं। हमारे पास नोविच का अल्टीमेट लिफ्ट का सेट है, हमारे पास नोविच कॉलेजन का सेट है, हमारे पास ब्रिलियंस का सेट है। आप एंटी एजिंग के तौर पर ब्रिलियंस का तो फेयरनेस, पिगमेंटेशन, पिंक स्पॉट्स, येलो सॉफ्ट स्पॉट्स, ग्रे स्पॉट्स, इनको दूर करता है। आप नोविच का एक कॉलेजन का और जो अल्टीमेट लिफ्ट है, अमेजिंग अमेजिंग सेट्स है एंटी एजिंग। आप ये पूरा सेट रिकमेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सन ब्लॉक। डबल क्लेंजिंग, अब हम बात करते हैं डबल क्लेंजिंग की, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुकी हुई हूँ। ये हमारे पास एक आमंड का और एवोकाडो का एक ऑयल आया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बॉडी ऑयल है स्पेशली, और अगर अपने बालों को लगाना धड़ में नहीं लगा सकते हैं, बार बार बताया गया आप मिड लेंथ से बालों के दरमियान से एंड तक लगा सकते हैं। सो आई वॉज गोइंग थ्रू इट, मुझे बादाम का वैसे भी मुझे समझ आती है कि मुंह पर आप कोकोनट नहीं लगा सकते, जो लोग मुंह पे कोकोनट ऑयल या कोकोनट से रिलेटेड चीजें लगाते हैं उनके दाने निकल सकते हैं। सो मैंने इसके आमंड ऑयल को एज एन एक्सपेरिमेंट लिया एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग, मैं डबल क्लेंजिंग तो बहुत अरसे से करती हूँ ना, सो मैंने इसको यूज करना शुरू किया और मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। इसको मैं मुंह पर लगाती हूँ, बर्तन पे लगाती हूँ, जो अना मुझसे पूछ रही थी कौन सा ऑयल है तो ये वो ऑयल्स हैं, और इनके बाद मैं अपनी वो जो क्लेंजिंग रूटीन है वो करती हूँ एवरी डे एवरी डे। तो आपकी नीड फेशियल की खत्म हो जाती है, सलोन नीड खत्म हो जाती है, या अगर रहती भी है ना तो बहुत थोड़ी रह जाती है। हम बात करें कि लव नेचर की इस प्रोडक्ट की, जो विच इज वन ऑफ माय अगेन वन फेवरेट प्रोडक्ट्स,
ठीक है। अच्छा, ये इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, आप लोगों को पता है इसके अंदर बेरीज हैं। ये एक बड़ी लेटेस्ट और जदीद किस्म की एक का स्क्रब है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि बहुत ज्यादा स्क्रबिंग इज नॉट गुड, खास तौर पर मिल्क एंड हनी की जब हमने बात की, ये फेस का स्क्रब है। मिल्क एंड हनी बॉडी स्क्रब है, मिल्क एंड हनी पे लिखा हुआ है बॉडी स्क्रब, ये फेस का स्क्रब है। इसकी ग्रैन्यूल्स बहुत सॉफ्ट है। इसके अंदर बेरीज के अंदर एक ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी डाली गई है जो आप मुंह पे लगाते हैं तो मुंह को एकदम ये गर्म कर देता है, इतना स्टीमिंग। आप सैलून्स में जाते हैं, आपने देखा अब स्टीम खत्म हो गई, अब अच्छे सैलून कोई स्टीम नहीं देते, वो कहते जी पोर्स खुल जाते हैं। तो वो कोई प्रोडक्ट आपके मुंह पे लगाते हैं जिससे आपकी मुंह की स्किन गर्म होती है और वो सॉफ्ट होकर वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकाल देते हैं। दिस इज अमेजिंग थिंग, मास्क जिससे फेस का, सॉरी स्क्रब है। मैं इसको इसको कैसे यूज करती हूँ, मैं इसको मुंह पे लगा के छोड़ देती हूँ और उसको थोड़ी देर के बाद उसको सैक्रे मोशन के अंदर अपने मुंह को जो है रब करती हूँ और देयू को आपकी मुंह टोटली साफ सुथरा हो जाता है, बल्कि ऐसे हो जाता है जैसे आपने कोई प्रोसीजर डॉक्टर से करवाया। ये हमारा ऑप्टिमल्स की एज रिवाइव एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। इसकी दो ही प्रोडक्ट सीरम और नाइट क्रीम मौजूद हैं जो लास्ट टाइम इन द कैटलॉग है और ये एंटी एजिंग के तौर पर यूज होती हैं। अच्छा जी, एंटी पोल्यूशन, हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन, ये बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो हर कोई 20+ इसको यूज कर सकता है। ये बहुत ही अमेजिंग पानी की रेंज है, ये पानी से बनी हुई रेंज है जिसके अंदर एक एएचए बीएचए है जो आपकी स्किन को, विटामिन सी है जो आपकी स्किन को साफ करता है, निशानों को दूर करता है, विटामिन ए है जिसमें तो बहुत अच्छा सोर्स है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का, इसमें बीएचए है जो पौधों से लिया गया है तो उससे ये होता है आपकी स्किन इरिटेट नहीं होती। और ये इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई है जिससे हाइलुरोनिक एसिड के अलावा जो आपको एंटी पोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, तो हर शख्स जिसकी स्किन पे जो है वो कोई इश्यू भी नहीं है तो वो इस पूरी रेंज को यूज कर सकता है और ये एक अमेजिंग रेंज हो सकती है फॉर एनीवन एंड एवरीवन। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं, ऑप्टिमल्स के जो दोनों क्लेंजर हैं, मेरी जितनी रिसर्च है, अभी मुझे कंपनी के एंड से नहीं पता, मुझे लगता है वो ऑप्टिमल्स इवन आउट के साथ बहुत अच्छे चलते हैं बिकॉज उस पे वही पत्ते वही चीजें बनी हुई है जो ऑप्टिमल्स का साइन है। सो आप उनको ऑप्टिमल्स, जिन लोगों को आप दे रहे हैं ऑप्टिमल्स की इवन आउट का सेट, उनको उसके साथ वो दोनों क्लेंजर भी आप दे सकते हैं। तो ये तो हमारी आज तक की क्लास थी जिसके अंदर हमने विंटर्स की बात की, मौसम की बात की, स्किन केयर की बात की। अब आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो ड्राई स्किन से रिलेटेड तो